कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2020-24 के खिलाफ बड़ा कदम। वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान की क्यादत में वजीर आला से बोर्ड की मुलाकात। आज स्टेट वक्फ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पूछे जाने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन को न देने का फैसला किया है और साथ ही वजीर आला से मुलाकात कर उन्हें मेमोरेंडम पेश किया है। इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वजीर आला से मुलाकात काफ़ी देर तक हुई और वजीर आला ने इस बात की इत्तला दी है कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड की तरफ से न दिया जाए और इस बिल की मुखालिफत करने का यकीन दिलाया है। देखिए, आज आप लोग सब देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पिछले के पार्लियामेंट में ये हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के हमारे मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर ये बिल सबमिट किए थे। उस दिन हर तरीके से भी डिस्कस हो को वो जेपीसी को उन्होंने रेफर करे, वो जेपीसी वाले हर स्टेट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने घूम रहे हैं। इसलिए हमारे पूरे वर्क बोर्ड मेंबर्स कल परसों हमें डिस्कस कर को एक हमारे कर्नाटका स्टेट वर्क बोर्ड की तरफ से एक फैसला हमें आवाम को देना पड़ेगा। इसलिए एक मीटिंग, इमरजेंसी एक मीटिंग करना का बोर्ड को हमें तय किए। आज सुबह में हमें मिनिस्टर के सदारत में, हमारे वक्फ मिनिस्टर डीजेड जमीर अहमद के सदारत में पूरे मेंबर्स मिलकर हमें मीटिंग किए। मीटिंग में ये तय किया है पूरा सरा सेट वो क्या हमारा सेंट्रल वक्फ बिल का अमेंडमेंट करने का मुद्दा है, वो मुद्दे पर हमें पूरा भी विरोध खंडन करे हैं। इसके साथ साथ भी हमें आज मीटिंग कर ले को हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को भी हमें मिले हैं पूरे मेंबर्स के साथ और हमारे जमीर अहमद मिनिस्टर साहब के साथ भी जाकर उधर मिले हैं। उनको भी हमें कल परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल सेक्रेटरी हमना थोड़े इन्फॉर्मेशन किए थे, वो उसका हमें आज मीटिंग में डिस्कस कर को कौन सा भी इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेट के तरफ से नहीं देना और ये हमारे ये बिल को पूरा भी हमें इसे रिजेक्ट करना, इसके हमें कौन भी नहीं सपोर्ट करना का, तो आज रेजोल्यूशन भी हुआ है। उसके साथ रेजोल्यूशन जो हुआ वो प्रेस नोट भी हमें आज दिए हैं, आपको भी वो प्रेस नोट मिलेगा। उसके बाद हमें मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को मिले। चीफ मिनिस्टर को मिलने के बाद वहाँ भी हमने चीफ मिनिस्टर को यही डायरेक्शन दिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पूछे वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देना है। और हमारे बोर्ड मेंबर के साथ भी वो चीफ मिनिस्टर भी बात किए हैं और हमारा आज का जो भी रेजोल्यूशन हुआ है प्रेस नोट वो बिल को हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, ये पूरे कर्नाटका स्टेट को, आवाम को हमें पैराम दे रहे हैं।